साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर हालात उसके बेहद खराब हैं और समर सिंह के लिए हर नया दिन नई मुसीबत लेकर आ रहा है, नया संकट लेकर आ रहा है। अब इस बीच समर सिंह को लेकर एक और बड़ी खबर है। समर सिंह की जिस बहन की पुलिस को तलाश थी, जिसकी गिरफ्त की खबरें आ रही थी, जिस पर शक जताया जा रहा था क्योंकि आकांक्षा की माँ मधु दुबे ने आरोप लगाए थे, तो समर सिंह की उसी बहन की लोकेशन पता चलने की खबर है। जी हाँ, सीक्रेट खुफिया जगह पर समर की बहन के पे होने की खबर है और यही नहीं, पुलिस की रेड की भी अगली एक्शन होने की खबर आ रही है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है कहानी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह को अप्रैल के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था और अब अक्टूबर आने वाला है। समर को कहीं से कोई राहत नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि लोअर कोर्ट से लगातार समर की बेल खारिज होती चली गई, हायर कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई है, लिहाजा समर सिंह के लिए हर तरफ से हर जगह से रास्ते बंद होते चले। ऐसे हालात में अब समर सिंह ने जेल को ही अपना घर बना लिया था, जेल की आदत डाल ली थी, मगर अभी तो समर पर आफत की एक और बिजली गिरनी थी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक समर के परिवार से एक और गिरफ्तारी होनी थी, ऐसी लगातार खबर आ रही थी। और सूत्रों के मुताबिक ये समर सिंह की बहन भी हो सकती है जिसकी तलाश की जा रही थी, क्योंकि समर सिंह की बहन का कोई ठिकाना पता चल नहीं पाया था और मधु दुबे ने समर सिंह की बहन पर भी आरोप लगाए थे। और अब जी हां, अब सबसे बड़ी खबर यही है, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर है कि समर सिंह की बहन का ठिकाना, लोकेशन पता चल गया है, मिल गई है लोकेशन। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक वाराणसी के पास मऊ जिले में समर सिंह की बहन की लोकेशन मिली है। वाराणसी से बिल्कुल लगते हुए मऊ में समर के बहन के होने की खबर है और सूत्रों के मुताबिक मऊ के किसी गांव में समर सिंह की बहन रह रही है। अब वैसे तो जब तक समर सिंह जेल के बाहर था तो बड़े ठाट बाट से लोग रहते थे, बड़ी आलीशान इनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन समर के जेल जाने के बाद से परिवार के भी हाल खराब है क्योंकि समर सिंह के बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, पैसे निकाल नहीं सकते हैं, लिहाजा पैसों की किल्लत है, कंडीशन खराब है और ऊपर से पुलिस भी लगातार नजर बनाए हुए, पुलिस के रडार में परिवार लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में खबर है कि मऊ के गांव में समर सिंह की बहन ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्दी यहां आ सकती है। जी हां, पुलिस जल्दी यहां पहुंचकर समर सिंह की बहन को दबोच सकती है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि अगर पुलिस गिरफ्तारी के लिए आती है तो इसके लिए वारंट लेना होगा, लेकिन अभी तक की फिलहाल जो खबर है कोई भी वारंट वाराणसी पुलिस ने ऐसा नहीं लिया है, लिहाजा पुलिस सीधे ही गिरफ्तार करने से बचेगी और हो सकता है कि पहले पूछताछ हो या फिर हिरासत में लिया जाए और उसके बाद जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी हो, और हो ये भी सकता है कि पुलिस किसी अलग तरीके से आए, कहें कि सादी वर्दी में आए, किसी और अंदाज में आए और उसके बाद जानकारी ले, पूछताछ और उसके बाद अरेस्टिंग हो सकती है। यही नहीं, आगे देखिए, माना जा रहा है कि समर सिंह के बाद समर सिंह के परिवार से एक और गिरफ्तारी हो सकती है, तो समर की बहन की होगी। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि समर की बहन को पकड़ा जा सकता है और फाइनली अब लोकेशन मिल गई है। तो अब समर की बहन को गिरफ्तार किया जाता है तो पर्सनली समर का बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि समर अपनी बहन के खासा करीब है। समर कभी भी नहीं चाहता है कि उसका परिवार, उसकी बहन या फिर उसका कोई दोस्त और भी जेल में जाए, इसीलिए समर सिंह इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है उसकी बहन को गिरफ्तार ना किया जाए, जेल ना जाना पड़े। हालांकि अब जो भी होगा पुलिस की मर्जी से होगा, पुलिस जो चाहेगी, जो कानून के मुताबिक होगा, जो पूरे केस के लिए फायदेमंद होगा वही पुलिस करेगी। तो फिलहाल आपका इस मामले पर क्या कहना है, क्या समर सिंह की बहन के ठिकाने पर पुलिस को रेड कर ही देनी चाहिए, गिरफ्तार कर ही देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए उसके खुद बाहर आकर पूछताछ में शामिल होने का? आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल के अंदर बेचैन है, लाचार है, हैरान परेशान भी है क्योंकि नई आफत लाठी की तरह समर सिंह के सिर पर पड़ी है। उसने समर सिंह को सोचने पर, रोने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि समर सिंह के परिवार पर बड़ी वाली चोट पड़ गई है जिसके बाद समर ने अपने वकील को जेल बुला लिया और गिड़गिड़ाने लगा। अब पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। समर सिंह के परिवार को लेकर आपको बताया था कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि परिवार से किसी और की भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसके लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और पुलिस ने समर सिंह के परिवार को, समर की बहन को ढूंढने की कोशिश तेज की, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया, कई जगह पर छापेमारी तक की गई। अब समर सिंह को लेकर खबर है कि परिवार से किसी और को पकड़ा जा सकता है, तो इस बात की खबर समर को मिल चुकी है और खास तौर पर समर की बहन को अरेस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद से समर सिंह जेल के अंदर परेशान है और इसी बेचैन
चैनी में। समर सिंह ने वकील को जेल बुला लिया। बातचीत के लिए समर ने वकील को जेल बुलाया, मगर यहाँ पर वकील के सामने टूट गया, बिखर गया, गिड़गिड़ाने तक लगा। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक खबर है कि समर सिंह ने कहा कि वो जेल के अंदर है और वो अब तो जैसे तैसे जेल में एडजस्ट कर ही चुका है, अगर लेकिन उसकी बहन को जेल जाना होता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसके लिए कंडीशन मुश्किल हो जाएगी। समर सिंह ने अपने वकील से कहा है कि कैसे भी करके वो पुलिस की कार्रवाई को रोके, उसकी बहन पर, परिवार पर होने वाले एक्शन को रोका जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वकील ने कहा है कि ऐसी किसी भी एक्शन की ऑफिशियल जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पुलिस ऐसा कुछ करती भी है तो इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। वकील ने साफ कह दिया कि अगर समर के परिवार पर, बहन पर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो इसे रोका नहीं जा सकेगा और पुलिस चाहेगी तो समर सिंह की बहन को जेल जाना ही पड़ सकता है। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आ गया, क्योंकि समर सिंह इसके बाद रोने लगा, गिड़गिड़ाने जैसी कंडीशन में आ गया और कहने लगा कि कैसे भी हो मगर इस मुश्किल से बचाओ, परिवार को इस समस्या में फंसने से बचाओ। हालांकि वकील ने कोशिश करने की बात कही है, मगर सूत्रों के मुताबिक इस साफ साफ कह दिया है कि उनके यानी कि वकील के हाथ में कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। इस दौरान समर एक ही बात बार बार बोलकर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि परिवार को बचा लो, बहन को बचा लो। अब कहानी है कि समर सिंह को खुद भी बचने की उम्मीद शायद दिख नहीं रही है और शायद इसी जैसे इस तरह की हरकतें कर रहा है और समर सिंह को नापने ना ही परिवार के बचने की उम्मीद है, इसीलिए वकील के सामने रोने तक लगा। तो कुल मिलाकर समर के हाल खराब हैं, आगे और ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या जानना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर को लेकर बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, और वो यही है कि जिस बात के लिए समर सिंह डर रहा था, जिस बात के लिए समर सिंह सोच रहा था, वो फाइनली हो गया है, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि समर सिंह की बहन की तलाश शुरू हो गई है। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक समर सिंह के परिवार को, जिसमें समर की बहन और भाई भी शामिल है, तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, समन भेजा गया था, लेकिन पूछताछ के लिए कोई आया नहीं। हालांकि बीच में खबर ये भी आई थी कि समर सिंह का परिवार समर से मिलने के लिए जेल भी गया था, यानी कि समर का परिवार सामने आया था, लेकिन अब एक बार फिर से परिवार गायब हो चुका है और इसीलिए फरार होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा, एक एक सदस्य कहीं न कहीं गायब है, कहीं न कहीं छिपा हुआ है। अब जब पहले समन का जवाब नहीं दिया गया तो दूसरा और तीसरा समन भी दिया गया होगा, और जब इनका भी जवाब नहीं मिला, पूछताछ के लिए कोई सामने नहीं आया, परिवार से कोई निकल कर बाहर नहीं आया, तो फिर एक्शन हो ही गया है। जी हाँ, समर के परिवार के लोगों को सामने लाने के लिए, पूछताछ करने के लिए एक्शन शुरू हो गया, कई जगहों पर छापेमारी की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पहले सिर्फ पूछताछ करना चाहती है, तस्दीक करना चाहती है कि जो मधु दुबे के आरोप हैं तो उनमें कितना दम है, वो आरोप कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत, और इसीलिए पहले पूछताछ ही होगी, और अगर पूछताछ में कुछ झोल नजर आया, कुछ गड़बड़ी दिखी, तो फिर बड़ा वाला डंडा चलेगा, यानी कि सीधे सीधे हथकड़ी पहनाई जाएगी, सीधे गिरफ्तारी होगी और समर सिंह के साथ ही जेल में ठूंस दिया जाएगा। हालांकि बीच में खबर ये भी आई थी कि समर सिंह अपने परिवार को बचाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, अपने वकील के साथ मिलकर केस तैयार कर रहा है ताकि परिवार के बाकी लोगों को कुछ ना हो, मगर इस बार तो कहानी समर पर ही उल्टा पड़ गई, क्योंकि समर सिंह कोशिश तो खूब करता रहा मगर समर सिंह कोशिश करता ही रह गया और यहां पुलिस ने कार्रवाई कर भी दी। अब खबर ये भी है कि समर सिंह और उसके वकील इस गिरफ्तारी यानी कि परिवार में किसी और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट से मोहलत मांग सकते हैं, राहत मांग सकते हैं, और अब ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट इन्हें राहत दे या ना दे। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि समर सिंह के हालात खराब हैं, आगे और ज्यादा खराब हो सकते हैं, कंडीशन पूरी तरह से समर सिंह के लिए बर्बादी की तरह नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो लंबे समय से समर सिंह जेल के अंदर बंद है, समर सिंह का करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका है, समर सिंह की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और अब अगर समर के परिवार में से भी कोई गिरफ्तार होता है तो पारिवारिक हालात भी समर सिंह के पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में समर सिंह के साथ कोई और भी आकांक्षा दुबे का दोषी होगा, क्या समर का परिवार भी उस गंदे काम में शामिल होगा, या फिर सिर्फ आरोपों के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप बोलने के नाम पर बोला जा रहा है, आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।